आज बना रहे हैं फ्रिज फर्ज, जो आपने ही सजेस्ट किया है। ठीक है, मैं 15 डेज के लिए आपकी रेसिपीज क्रिएट कर रही हूँ जो आप लोग मुझे बता रहे हो, और बहुत ही यूनिक यूनिक रेसिपीज आ रही है मेरे को यार, बहुत यूनिक यूनिक। इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपकी रेसिपी क्रिएट करूँ, तो आपको ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, अच्छी सी रेसिपी यूनिक सी एकदम धमाकेदार सी, सब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज बना रही हूँ फ्रिज फर्ज, जो बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, एक डबल बॉयलर सेट कर लो और उसमें थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा बटर और कंडेंस मिल्क डाल के मेल्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ, आप माइक्रोवेव कर सकते हो, पर मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं बीच में ना मेरा बोल चटक गया, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, क्या करना है, पहले इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ, फिर सारा सामान को दूसरे बोल में निकाल के इसको फेंक दूंगी। पर जब मैं इस बोल को निकाल रही थी ना, तो देखो क्या हो गया, मेरा सारा मिक्सर खराब हो गया और चॉकलेट सब खराब हो गई। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, चलो यार उस दुर्घटना को भूल जाते हैं और दोबारा से फिर बनाते हैं। फिर मैंने क्या करा, ज़्यादा होशियारी नहीं, मैंने सोचा यार ज़्यादा होशियारी नहीं करते अपन, माइक्रोवेव कर लेते। तो मैंने फिर से वही करा, मैंने एक बोल में थोड़ी सी चॉकलेट ली, कंडेंस मिल्क लिया, थोड़ा बटर लिया और इसको माइक्रोवेव कर दिया 3-4 मिनट, या फिर पता नहीं 3-4 मिनट लगे थे। ठीक है, और फिर ये अच्छे से माइक्रोवेव होकर मैंने कहा ये ठीक है, इतना सारा उसमें टाइम लगा हो डबल बॉयलर में और फिर बाद में तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो यार क्या ही है ना। फिर मैंने इसमें थोड़े से नट्स डाल दिए और ऊपर से और सजाने के लिए भी डाल दिए और इसको सेट कर दिया, फ्रिज में रख दिया 20-25 मिनट के लिए, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी और ये बहुत 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 टेस्टी बनी थी। आप ट्राई करना, घर पे सबको अच्छी लगी थी। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है संपत सिंह को, उन्होंने ही मेरे को ये रेसिपी सजेस्ट की है, मैं आपका कॉमेंट में स्क्रीन पर लगा दूँगी। तो यार थैंक यू, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है और यार ये घर पर सबको पसंद है, ये बहुत सॉफ्ट था, पता है मेरे से एक हाथ से शूट नहीं हो रहा ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइट लग रहा होगा, पर ये बहुत टेस्टी था, ट्राई करना।